अस्सलाम वालेकुम, आई एम बलवशा साबिर फ्रॉम निशान रिहैब एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हियर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेट्स गेट्स अपॉर्चुनिटीज़ नॉट फेलियर। सबसे पहले तो मैं इस बात को थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि बेसिकली हम लोग ज़्यादातर अपनी लाइफ में फेलियर्स को क्यों फोकस कर रहे होते हैं, या हम ज़्यादातर नेगेटिविटी को क्यों प्रमोट करते हैं, या उसके बारे में सोचते क्यों हैं। अगर हम नेगेटिविटी को सोचेंगे या उसको प्रमोट करेंगे, या हमारे हमने एक अपने अंदर एक इन बॉर्न ही एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक रख ली है कि जहाँ पर भी कोई एक इवेंट हमारे सामने आता है तो हम उसमें नेगेटिव जो है वो पर्सपेक्टिव से ज़्यादा उसको देखते हैं, या हमारा जो थिंकिंग पैराडाइम है उसमें हमारा फेलियर का आंसर या नेगेटिविटी का आंसर जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? हम देख सकते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ को भी फोकस कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी भी देख सकते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जो है हम प्रमोट कर रहे हैं अपने कल्चर में या अपनी सोसाइटी में या इवन कि अपने घर में फेलियर्स को या नेगेटिविटी को? तो बेसिकली मैं इसका थोड़ा सा लिंक भी करना चाहूँगी कि हम रिजल्ट्स के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते, या हम ज़्यादातर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को क्यों नहीं देखते। हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मतलब क्यों इतने ज़्यादा मतलब नेगेटिव होते हुए जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें। तो बेसिकली इसका मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने ये चीज़ें शुरू से ही, जब एक फॉर इंस्टेंस कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी बर्थ होती है और उसके बाद जो है वो अपनी लाइफ के मराहिल तय कर रहा है, अपने माइलस्टोन्स तय कर रहा है, क्या उसने उसी में तो ऐसा नहीं सीख लिया कि वो नेगेटिविटी जो है वो उसके अंदर इनकलकेट हो रही है या वो सीखता जा रहा है? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फेलियर्स की और फेलियर्स के साथ मैं एसोसिएट करूँ कि क्या रीज़न्स हैं, क्या वजह है कि लोग फेलियर पर ज़्यादा बात करते हैं, तो मैं इसको लिंक करूँगी कि लोग एक्सक्यूज़ किस तरह से दे रहे हैं। और आई थिंक कि ऐसा है कि एक्सक्यूज़ का बहुत बड़ा रोल है कि हमारे फेलियर में वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं और हम जो है वो फेलियर वाली साइड पे जा रहे हैं। तो एक्सक्यूज़ कहाँ से आते हैं, क्या बैकग्राउंड है एक्सक्यूज़ का कि हम अपनी लाइफ में अगर फॉर इंस्टेंस के कोई भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है या कोई भी हमें बात कही जाती है तो हम फौरन से पहले जो है उसका एक्सक्यूज़ देना स्टार्ट कर देते हैं और हम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब इस तरह से ले ही नहीं रहे और हम उसको एक्सक्यूज़ में जो है वो ढाल रहे हैं। तो बैकग्राउंड इसका ये है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब एक बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है, अभी उसकी स्कूलिंग की एज स्टार्ट हुई है, तो वो ये सीखता है कि अगर एक दिन उसका दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने का, या अगर एक दिन उसका दिल नहीं कर रहा कि वो कोई काम करे, तो वो फ़ौरन से एक बहाना बना देता है, एक्सक्यूज़ दे देता है कि मामा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या फॉर इंस्टेंस के मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और हम उस चीज़ को लाइट लेते हैं, हम उसको एज अ प्रॉब्लम कंसिडर ही नहीं करते, और जिसकी वजह ये है कि जब एक इंसान बड़ा हो जाता है तो उसकी लर्निंग साथ साथ ये उसके अंदर एक इनबॉर्न स्किल जो है वो बन जाता है कि हाँ अगर मैंने एक्सक्यूज़ दे दिए तो मेरी जो है वो फॉर इंस्टेंस कि मैं अपनी फॉर द टाइम बीइंग जो है मेरे ऊपर कोई बात नहीं आएगी, या मुझे कोई जो है वो ब्लेम नहीं करेगा, या मुझे कोई टोंट नहीं करेगा, या मुझे फर्दर कोई भी जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं कोई अच्छा सा एक्सक्यूज़ बना के जो है वो बात को डिफेंड कर दूँ। तो क्या ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रोल है हमारी सोसाइटी में एक्सक्यूज़ का? तो ऐसा है इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, और हमारी पर्सनालिटी जब प्रॉपरली हम जो है वो अडल्टहुड में आ जाते हैं और हम हमारे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इस तरह से हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती हैं कि हम फिर बहुत ज़्यादा इन्हीं बातों से जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम यही बातें जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हम लर्निंग वाली साइड पर नहीं जा रहे। क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर एक इंसान लर्निंग वाली फ़ेज़ में नहीं जा रहा या वो लर्निंग नहीं कर रहा, क्योंकि उसने तो सीख लिया है कि एक्सक्यूज़ बनाने हैं, और वो आउट
ऑफ द बॉक्स होके जो है वो सोच नहीं रहा, वो सिर्फ उसी एक बबल में रह रहा है जो उसने अपने कंफर्ट जोन जो है वो क्रिएट किया हुआ है, और उसी कंफर्ट जोन में रहते हुए वो प्रैक्टिसेस कर रहा है। और हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं किसी कंफर्ट जोन में रह के या किसी ऐसी जगह पे रह के जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं, मैं हर्डल्स का फेस नहीं कर रही, मैं मतलब डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं कर रही, मैं ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही जिसके मुझे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, अगर मैं उन पर कंसिस्टेंटली वर्क करूँ तो मुझे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं इन चीज़ों पर फोकस नहीं अगर करूँगी तो कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं मतलब पॉजिटिव अपनी लाइफ में हो जाऊँ या मुझे रिजल्ट्स जो हैं वो मेरी मर्ज़ी के मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हमें कुछ ज़्यादा करना है, कुछ अच्छा करना है, लोगों से डिफरेंट करना है, इनोवेटिव होके करना है, तो हमें उसके लिए एफर्ट भी उतनी ही करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमने ये लर्न किया हुआ है, हम बात क्योंकि कर रहे हैं कि हम ज़्यादातर फेलियर्स को क्यों प्रमोट कर रहे होते हैं या फेलियर्स पे फोकस क्यों होता है, हम अपनी लाइफ में हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लेकिन हम उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेते नहीं हैं, हमारा फोकस ही जो है वो नेगेटिव साइड पर है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसी बात से मैं इसको भी थोड़ा सा लिंक कर रही हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली मौजूद होती हैं हमारे पास, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे इर्द गिर्द हैं। फॉर इंस्टेंस आज के दिन में मैंने सबसे पहले ये बात आइडेंटिफाई ही नहीं की कि मुझे आज के दिन में क्या अच्छा करने को मिल रहा है, तो लोग जो हैं वो फोकस कर देते हैं कि नहीं आज के दिन में तो कुछ अच्छा था नहीं क्योंकि मैंने एफर्ट नहीं की, मैंने आइडेंटिफाई ही नहीं किया, मैंने प्रोब ही नहीं किया, मैंने तलाश ही नहीं किया कि आज के दिन में अच्छा क्या क्या हो सकता था। फर्स्टली तो मुझे तलाश करना है, ये देखना है, ये जानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, मेरे अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं पहले सेल्फ अवेयर हो जाऊँ कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मैं उन पे किस तरह से वर्क कर सकता हूँ, और अगर मैंने उन स्किल्स को पॉलिश कर लिया, जो हमारे अंदर हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल जो है वो मौजूद है, सिर्फ ज़रूरत ये है कि हमने उसको किस तरह से प्रोब करना है। फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई, देन हम उस पे कोई वर्किंग जो है वो कर सकते हैं, और अगर वही स्किल हम उसी पे कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हम जो है वो उसी को एज अ पैशन अपनी फील्ड बना लेते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। फिर हम ये बात करते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल की लाइफ में एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा हैं या वो फेलियर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, तो क्या है ऐसी रीजंस कि मतलब उसकी जो बेस है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक्सक्यूजेस नज़र आ रहे हैं या उसके जो एक्शंस हैं वही हम देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसका थॉट कंटेंट क्या है, हमें नहीं पता कि उसका एटीट्यूड क्या है, क्योंकि हम ये बात करते हैं कि ये जो सारी चीज़ें जो कि हमें विजिबल नहीं हैं वही उसका बेस है। जैसे फॉर इंस्टेंस कि एक घर है और उसका बेस जो है जहाँ पर एक इमारत खड़ी हुई हुई है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी हुई नज़र आ रही होती है, तो बेसिकली उसकी बेस क्या है? बेस हो सकती है, क्या ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी लाइफ में ब्लेम करना सीख लिया है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को से मुंह चुराते हुए हम दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं कि हाँ इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर्स। हाँ, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट कर दी है, हम लेज़ी हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहे, या हमारे अंदर एनर्जी जो है वो है तो सही लेकिन क्योंकि हमने ये एक माइंडसेट बना लिया है कि एट द एंड हमने एक्सक्यूजेज ही देने हैं, तो हम अपनी एनर्जी उन कामों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ना के ना तो इम्पॉर्टेंट है और ना ही उस टाइम पर अर्जेंट है, तो हम बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं नेगेटिविटी पर, इसीलिए क्योंकि हमने अपना एक माइंडसेट बना लिया है। और जब एक माइंडसेट, एक आपने थॉट कंटेंट या अपनी सोचों में आप ये स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ मैंने इसको, फॉर इंस्टेंस कि मेरे सामने कोई भी इशू आता है और मैं उस पर कहती हूँ कि हाँ चलो देख लेंगे, मैं ऐसा ना जब मतलब इवेंट आएगा, जब मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसका आंसर भी उसे कर दूँगी, क्योंकि हमने पहले से माइंडसेट बना लिया कि कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देंगे, तो ऐसा है कि हमने स्टार्टिंग से ही अपने माइंड को एक नेगेटिव इनपुट दे दी है और हमारा माइंड वर्क भी वही करता है जो हम उसको इनपुट देते हैं। तो बात हो रही थी कि
क्या ऐसा है कि अगर एक्सक्यूजेस है तो उसके साथ, या अगर फेलियर हमारी लाइफ में है तो उसके साथ और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बेस बने हुए हैं, जो कि मेन रीज़न है? अगर हमें एक्सक्यूजेस को अपनी लाइफ में से निकालना है तो उन बेसिक चीज़ों पे हमें वर्क करना पड़ेगा, उन बेसिक या उस बेस लाइन को ख़त्म करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि अगर हमने घास को ख़त्म करना है तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ घास के ऊपर से ट्रिमिंग करते रहें या उसको काटते रहें तो हमारे मतलब जो है वो लॉन साफ हो जाएगा। अगर हमें उसे प्रॉपरली क्लीन करना है या वो एरिया साफ करना है तो हमें उसके रूट्स निकालने होंगे। तो बेसिकली रूट्स क्या हैं? रूट्स यही हैं कि आपने वो एलिमिनेट करने हैं। रीज़न फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि आपने ये देखना है कि कहीं हमारे अंदर, हमारी पर्सनालिटी के अंदर ब्लेमिंग फैक्टर ज़्यादा तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे साथ कि हम बहुत ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज़म्स को जो है वो यूज़ करते हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, दूसरों पर ब्लेम कर रहे हैं, रीज़न बन रहे हैं कि दूसरे लोग जो हैं कर दें हमारे बिहाफ पे काम, हमें ना करना पड़े। क्या हम इतने लेथार्जिक हो गए हैं कि हम अपनी ड्यूटीज़ भी खुद से परफॉर्म नहीं कर सकते? क्या अब ऐसा होगा कि दूसरे हमें बताएंगे कि हाँ आपने ये काम करना है? क्यों ऐसा है? क्योंकि जो अंडरलाइन फैक्टर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी में रच बस गए हैं, वो हमारे अंदर जो है इनकलकेट हो गए हैं। और ऐसा है कि शुरू में जब एक इंसान जो है उसके अंदर ये हैबिट आती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही थे, हमने उनसे सीखा, हमने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, हमने उनसे सीख के ये ट्रेड्स हमारे अंदर भी आए हैं। और अगर हमने उनसे ये सीख लिया है तो शुरू में जब एक बच्चे की परवरिश हो रही होती है तो हम इस चीज़ों को प्रॉपरली कंसिडर ही नहीं कर रहे होते कि इट्स अ प्रॉब्लम। जब एक चीज़ को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे कि वो प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या हम उसके ऊपर वर्किंग कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला मेन काम है कि हमें अपने एनवायरनमेंट में आइडेंटिफाई करना है कि रीजंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई करना है, देन अगर एक चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है, और क्योंकि वो इतनी जल्दी हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बनी हुई है, हमारी हमारे अंदर जो है वो चीज़ समा चुकी है, तो उसको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होगा। तो इसमें हमने घबराना नहीं है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें लीड कर रहे हैं टूवर्ड नेगेटिविटी और टूवर्ड फेलियर। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने उसको रिकॉग्नाइज करना है, और रिकॉग्निशन में हम ये कहते हैं कि एक चीज़ जो आइडेंटिफाई हो गई है उस पर हमने फिर वर्किंग स्टार्ट करनी है कि अब हम इसको मोल्ड किस तरह से कर सकते हैं, जो कि पास्ट में हमने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया था, क्योंकि पास्ट में हम ये कहते थे कि इट इज़ नॉट अ बिग डील कि हमारे साथ ये इशू है, या उसको हम पहले तो इशू ही कंसिडर नहीं करते थे। और एक टाइम ऐसा आता था कि हम एक टर्म यूज़ करते हैं या एक वर्ड हम कहते हैं कि परसेप्चुअली हम ब्लाइंड हो जाते हैं, कि हमारी परसेप्शन में वो बात जो है वो ही नहीं आती, क्योंकि हम नेगेटिविटी को या उन चीज़ों के इतने गो थ्रू हो जाते हैं कि हम फोकस ही नहीं कर पाते कि हाँ ये चीज़ नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि हमने आइडेंटिफाई करना है उन बिहेवियर्स को या उन ट्रेड्स को जो कि हमारी पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी ला रहे हैं। सेकेंडली मैंने बात की कि अगर आइडेंटिफाई हो गए हैं तो हमने उनको रिकोगनाइज करना है कि नाउ अगर मैंने नेगेटिवली बिहेव नहीं करना या नेगेटिव नहीं सोचना तो मैंने किस तरह से सोचना है। तो थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि आपने एक बैकअप बनाना है कि अगर मैं चेंज होना चाह रहा हूँ या मैं अपॉर्चुनिटीज़ लाना चाह रहा हूँ तो मुझे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि मेरे नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे, सेकंडली कि मैं उसको चेंज करके मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, थर्डली हम ये कह रहे हैं कि हम फिर उस चीज़ को अडाप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैकअप प्लान अगर हमारे पास मौजूद होगा तो ही हम उस पर जो है वो वर्क कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही शेयर करूँगी, मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप देखते रहें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।